एसिड्स हैव अ सोर टेस्ट, मतलब एसिड जो होते हैं वो खट्टे होते हैं टेस्ट में। एसिड जो होता है ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देता है। जब हम लोग ब्लू लिटमस पेपर में एसिड को डालते हैं तो ऑर्गेनिक, देखिए एसिड के बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्रिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। एसिड टू टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स और मिनरल एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स आर द नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स, मतलब वो नेचर के द्वारा बनाए गए एसिड्स होते हैं। वो प्लांट्स में और एनिमल्स में पाए जाते हैं। इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। एसिटिक एसिड इज फाउंड इन विनेगर, मतलब एसिटिक एसिड विनेगर में, सिरका में मिलता है। विनेगर खाना बनाने में यूज़ होता है। फॉर्मिक एसिड चींटियों में पाया जाता है, चींटियों के जो स्टिंग निकले रहते हैं उसमें पाया जाता है। सिट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट्स सच एज लेमन एंड ऑरेंजेस। सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स में हमें मिलता है, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया। लैक्टिक एसिड हमें कर्ड में मिलता है, दही में मिलता है, या खट्टा दूध जो होता है उसमें मिलता है। टार्ट्रिक एसिड हमें इमली में मिलता है, कच्चे आम होते हैं, कच्चे अंगूर होते हैं, इन सब में मिलता है। एस्कॉर्बिक एसिड हमें आंवला में मिलता है, सिट्रस फ्रूट मतलब लेमन ऑरेंजेस में मिलता है। एस्कॉर्बिक एसिड को हम लोग विटामिन सी भी बोलते हैं। ऑक्सैलिक एसिड पालक में मिलता है, स्पिनच में हमें मिलता है। ऑर्गेनिक एसिड जो हैं वीक एसिड्स होते हैं, जो कि नेचर के द्वारा बने हुए होते हैं, जिन्हें हम नहीं बनाते हैं। मिनरल एसिड्स जो होते हैं वो अर्थ की मिनरल्स से बनाए जाते हैं, ठीक है, इसलिए उन्हें मिनरल एसिड्स बोलते हैं। मिनरल एसिड्स को हम लोग लेबोरेटरी एसिड भी बोलते हैं, क्योंकि ये साइंस लैब में यूज़ करा जाता है एक्सपेरिमेंट्स के लिए। थ्री जो है मोस्ट कॉमन मिनरल एसिड्स हैं वो हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्रिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। कंसनट्रेटेड मिनरल एसिड्स आर वेरी डेंजरस, मतलब कंसनट्रेटेड मिनरल एसिड जो होते हैं वो बहुत ही हानिकारक होते हैं। इनफैक्ट हम उसे टच भी नहीं कर सकते, ठीक है, तो पीना खाना तो दूर की बात है। जैसे अब हम लोग सिट्रिक एसिड जो है वो हम लोग खाते हैं, लेमन ऑरेंजेस खाते हैं, क्योंकि ये वीक एसिड्स है तो हम लोग ये खा सकते हैं इन एसिड्स को, मतलब कि एक्चुअली नहीं, मतलब कि इसको छू भी सकते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन जो मिनरल एसिड्स होते हैं उन्हें हम लोग को नहीं छूना चाहिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड्स तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब जो है स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, और एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड और कार्बनिक एसिड, ये सब जो हैं वीक एसिड्स होते हैं। तो चलिए अब एसिड रेन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो एसिड रेन जो होते हैं उनकी एसिड रेन वो होते हैं जिन, मतलब कि जब बारिश होती है आसमान से तो उसमें एसिड जो का जो लेवल रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है नॉर्मल बारिश के मुकाबले। एसिड रेन जो होते हैं कैसे होते हैं, एसिडिक गैसेस जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें रिलीज होते हैं एयर में, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो जब बारिश होती है तब वो ड्रॉप्स में, रेन ड्रॉप्स में मिक्स हो जाता है और वो सल्फ्रिक एसिड बन जाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये भी रेन ड्रॉप्स में डिसॉल्व हो जाता है और ये नाइट्रिक एसिड बन जाते हैं। वेयर्स कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन जो होते हैं वो भी डिसॉल्व हो जाते हैं और वो कार्बनिक एसिड बन जाते हैं। तो ये तीनों रहते हैं एसिड रेन में।
जो सल्फ्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और कार्बनिक एसिड जब रेन वाटर में रहता है तो ये रेन वाटर एसिडिक हो जाता है। और जब ये एसिडिक रेन जो है कि मतलब गिरती है अरे अर्थ पे, तो हम लोग इसको एसिड रेन बोलते हैं। एसिड रेन बहुत ही हानिकारक होता है एनिमल्स के लिए, ट्रीज के लिए, क्रॉप्स के लिए, प्लांट्स के लिए, मेटल्स के, मेटल स्ट्रक्चर के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, मोनूमेंट्स के लिए। ये कैसे होता है, एसिड रेन जो रहता है वो लेक्स को, पॉन्ड्स को, रिवर्स को बहुत ज़्यादा एसिडिक बना देता है, जिसके कारण जो है फिश है या अदर एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं वो मर जाते हैं। एसिड रेन जो लीव्स होता है उन्हें खा जाता है, ठीक है। और जैसे कि अब ट्रीज से जो है लीव्स अगर हट जाएंगे तो ट्री मर जाएगा, नहीं बचेगा, इसीलिए वो एसिड रेन क्रॉप्स को भी ख़राब कर देता है। एसिड रेन मेटल स्ट्रक्चर्स जैसे कि स्टील ब्रिजेस हो गए, इन सब को भी गिरा देता है, मतलब जब गिरता है तो ये भी डैमेज हो जाते हैं। एसिड रेन डैमेज, एसिड रेन मतलब जो है बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स को जो है डैमेज कर देता है जो स्टोन्स के बने हों। अब पढ़